एक मजार द्वारा सांस लेने का मामला संज्ञान में आया है। दरअसल खरगोन के ग्राम गोपालपुरा में एक मजार द्वारा सांस लिए जाने की बात को लेकर ग्राम सहित क्षेत्र में लोगों का हुजूम लग गया। ग्रामीणों की माने तो रात 8 बजे से मजार ने सांसें लेना शुरू कर दी। ग्रामीणों ने इस बात का खुलासा किया कि गोपालपुरा में 100 साल पुराने इस मजार द्वारा सांस लेने के दृश्य को कुछ लोगों ने करीब से देखा है, जिसकी चर्चा फैलते ही लोगों की भीड़ जमा हो गई। वहीं मीडिया से बातचीत में ग्रामीणों ने बताया कि ये कुदरत का करिश्मा है या आवाम से कुछ गलती हुई है, जिसे लेकर हम आसपास की साफ सफाई के साथ कुरान का पाठ कर रहे हैं। वहीं वैज्ञानिक अजय कुमार नारमदेव की माने तो इस घटना की वैज्ञानिक पुष्टि करना जरूरी है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि लोगों की धर्म के प्रति आस्था जरूरी है, लेकिन किसी ने ढकोसला किया है तो उसे दंडित करना चाहिए। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। सरकार का मजार है और यहाँ पे कल शाम 8 बजे ईसा के अजान के पहले सांस लेने के लेते हुए देखा अमजद खान और एक रमजान, दो तीन जनों ने सबको बताया, सब लोग इकट्ठा हुए, सबने देखा आके। और खरगोन भी एक खबर फैल गई तो खरगोन से बहुत सारी पब्लिक देखने के लिए आई थी। ये मजार करीबन 100 साल पुरानी है। क्या मानते हैं आप? ये कुदरत का करिश्मा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकिन शेख है। कुरान खानी वगैरह करवा रहा है अभी। मजार है यहाँ, पहले छोटे से मजार थे और पहले बाबा की यहाँ से सवारी भी निकलती थी। हमारी दादी माँ के पहले जागरूक हुआ रहा और मैंने भी एक बार देखा बाबा की सवारी निकलती थी। हाँ। कैसे क्या निकलती थी, क्या देखा था? घोड़े पे मसाल मसाल चलते थे और गुलाल अपन सब इधर जाती थी। कितने साल पुरानी बात है? 50-60 साल। क्या नाम है आपका? गोविंद। या उसमें कोई जुगाड़ भी करा हो, क्योंकि आप भी गए थे, मीडिया कर्मी भी गए थे, आप वहाँ फिल्मांकन करा, लोगों से बात करी, पर आपने दरगाह के चादर हटा करके उसको देखने की कोशिश, हिम्मत भी नहीं है आपकी, आप भी नहीं कर सकते, ना मैं भी नहीं कर सकता। चादर तो हटी हुई थी। तो वो वहाँ अगर इस प्रकार का कुछ है तो उसकी जांच करवाना चाहिए। अपन मानते हैं सर कि और प्रशासन तो निष्पक्ष है, ऐसी स्थिति में जिला प्रशासन को किसी साइंटिस्ट को भेज करके उसकी व्यवस्थित जांच करानी चाहिए और उसको सच्चाई को सामने लाना चाहिए। ये सर अचानक आवाज आई थी, सांसों की आवाज आ रही थी। हाँ हाँ, बहुत कुछ होता है, मतलब ये कोई पहली घटना नहीं है। अगर आप मेरे पास बैठेंगे तो मैं अभी 3 घंटे ऐसी बहुत सारी घटनाएं सुना सकता हूँ, है ना? तो इसमें कोई तंत्र नहीं है और लोगों को आस्थाएं बना के रखना है। दुनिया में अगर धर्म रहेगा तो नैतिकता रहेगी। जिन घरों में भी देव स्थापनाएं है वहां के लोग कभी गुनाह नहीं करते, अपराध नहीं करते, वो बड़े सात्विक होते हैं। तो विज्ञान खाली विज्ञान की बपोती ना रहे, लोग धर्म आस्था से भी जुड़े रहे। पर अगर आप बीमार है तो आपका इलाज धर्म नहीं कर सकता, आपको कोई न कोई दवाई लेना पड़ेगी। कैसा जांच होना चाहिए? मतलब हाँ, जांच होना चाहिए और वैज्ञानिक जांच होना चाहिए। और जिला प्रशासन के पास वैज्ञानिकों की कोई कमी नहीं है, वो उसकी व्यवस्थित जांच करा करके सच्चाई सामने लाना चाहिए। और जिन लोगों ने इस प्रकार का ढकोसला करा उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई भी होना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।